हेलो फ्रेंड्स, विमेन अजीब ब्लॉग्स में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, उदयपुर में सिटी मॉल देखने के बाद आपको ले चलते हैं सेलिब्रेशन मॉल में। जी हाँ दोस्तों, ये है उदयपुर का सेलिब्रेशन मॉल। देखिए कितना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अंदर। ये है यहाँ का बड़ा सा सेलिब्रेशन मॉल। ये देखिए बाहर से भी कितना खूबसूरत। और अब हम अंदर लेकर चलते हैं आपको। ये दोस्तों, ये डायनासोर बने हुए हैं और आकर्षण का केंद्र है ये। ये देखिए बहुत बड़ा है अंदर से। ये 3-4 मंजिल का बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत अंदर से चमचमाता हुआ। आप देखिए लाइटिंग। ये डायनासोर बने हुए हैं, यहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। और ये देखिए, सभी फोटोग्राफी कर रहे हैं, यहाँ पर फोटो लेते हैं। यहाँ का आकर्षण का केंद्र है ये। ये देखिए, ये आर्टिफिशियल आग बनी हुई है, इसके ऊपर डायनासोर और ये छोटे छोटे, देखिए आप, डायनासोर भी बने हुए हैं छोटे छोटे दो। ये बड़ा सा डायनासोर। ये बच्चों के लिए, ये देखिए आप, गाड़ी बच्चों के लिए, फुल एंजॉय। ये फर्स्ट फ्लोर पर ही आप देख सकते हैं कि कपड़ों का शोरूम है, लेडीज जेंट्स बच्चों के सभी प्रकार के यहाँ पर कपड़े हैं। एक साइड में कपड़े हैं। देखिए, और दूसरी साइड में आप ये देख सकते हैं फ्लावर्स और बहुत सारे आइटम्स ये सजाने के लिए, फ्लावर्स आर्टिफिशियल। ये टॉयज बच्चों के, ये सभी प्रकार की वैरायटीज। किचन का सामान, किचन के बर्तन, क्रॉकरी का सामान, बहुत सारे आइटम, बहुत सारे आइटम थे। और ये सेलिब्रेशन मॉल में ही आप देख सकते हैं बच्चों की ट्रेन।
ये बच्चे ऊपर भी बैठ सकते हैं, ऊपरी फ्लोर पर ट्रेन पर। यहाँ पर राउंड लेती है ट्रेन। दो राउंड निकलवाती है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। और हम बहुत थक चुके थे क्योंकि सिटी पैलेस में बहुत टाइम हो गया था, इसलिए ऊपर के फ्लोर में हम नहीं जा सके। तो दोस्तों फिर कभी दिखाएंगे, हम नीचे के फ्लोर में ही जाकर वापस आ गए और कुछ खरीदारी की। बहुत शानदार बना हुआ है, आप भी आइएगा यहाँ पर। और ये बहुत ही अच्छा लगा डायनासोर। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए हमारी वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अलविदा, खुदा हाफिज़।